घर में मेडिकल एंड डेंटल कॉलेजेस में दाखिला टेस्ट तलबा के वालदैन के लिए इम्तिहान बन गया। कराची में इंतजाम बेहतर न होने का शिकवा। रश में फंस जाने वाले तलबा को देर से पहुंचने पर अंदर जाने की इजाज़त न मिली। तलबा रोते रहे। वालदैन का कहना है इंतजामिया ने टाइम से पहले गेट बंद कर दिए। डाउ यूनिवर्सिटी इंतजामिया की पेपर लीक होने की खबरें मुस्तरद। तर्जुमान का कहना है कि पर्चा लीक होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। बुलेटिन का आगाज करेंगे मुस्तकबिल के मसीहाओं के आज के इम्तिहान से। और बुलेटिन में बात करेंगे कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, क्वेटा समेत पाकिस्तान भर में मेडिकल और डेंटल कॉलेजेस में दाखिले के लिए एमडीकैट टेस्ट आज हो रहे हैं। 1,67,000 से ज्यादा तलबा इम्तिहान में शरीक है। वजारत दाखिला ने सूबाई हुकूमतों की सिफारिश पर पीटीए को टेस्ट के औकात कार के दौर में की हिदायत जारी की है। इम्तिहानी मराकज के एतराफ दफा 144 से नाफिज रहेगी। इस मौके पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं, जबकि खवातीन अहलकार भी सिक्योरिटी के फराइज अंजाम दे रही हैं। दूसरी जानिब कई शहरों से एमडी कैट का पर्चा आउट होने की इत्तलात भी हैं। डॉक्टर बनने के लिए इम्तिहान की घड़ी आ पहुंची। घर में डेंटल और मेडिकल कॉलेजेस में दाखिले के लिए एंट्री टेस्ट जारी है। 1,67,000 से ज्यादा तलबा इम्तिहान में हिस्सा ले रहे हैं। इम्तिहानी मराकज के अतराफ में दफा 144 नाफिज रही। एंट्री टेस्ट के मौके पर इम्तिहानी मराकज को 9 बजे सील कर दिया गया। सुबह 10 बजे शुरू होने वाला इम्तिहान दोपहर 1:30 बजे तक जारी रहेगा। इस मौके पर गैर मुतल्लिका अफराद का दाखिला भी मराकज में ममनू होगा। कराची में पीएमडीसी के टेस्ट उम्मीदवारों के लिए बवाले जान बन गया, जहां 2,500 मीटर लंबी कतार वालदैन और इंतजामिया के लिए इम्तिहान बन गई। तलबा के हमला आए अफराद ने सड़कों पर ही गाड़ियां पार्क कर दी, जिससे यूनिवर्सिटी रोड पर ट्रैफिक शदीद मुतासिर रहा। कराची समेत सिंध भर से तकरीबन 38,700 उम्मीदवार इम्तिहान में हिस्सा ले रहे हैं। कराची में एनडी यूनिवर्सिटी और डाउ यूनिवर्सिटी में इम्तिहान का इनेकाद किया गया है। उधर पंजाब में एंट्री टेस्ट के लिए 12 शहरों में 26 मराकज कायम किए गए हैं। लाहौर में 8 मराकज में एमडी कैट का इम्तिहान जारी है। दूसरी जानब बलूचिस्तान से 5,806 तलबा और खैबर पख्तूनख्वा से 42,000 से ज्यादा उम्मीदवार इम्तिहान में शरीक है। कराची में एमडी कैट 2024 में बदनज़मी पर वालदैन ने इंतजामिया पर शदीद बरहमी का इजहार किया है। टेस्ट के लिए आने वाली तलबा के लिए इम्तिहानी मराकज में जाना वबाले जान बन गया। मजीद जानते हैं हमारी नुमाइंदा रूहा फातिमा से, बताइएगा। जी बिल्कुल, देखिए मुल्क भर की तरह कराची में भी जो है वो एमडी कैट का इम्तिहान इस वक्त हो रहा है। एंट्री बंद हो चुकी है। सुबह 7 बजे से 10:30 बजे तक जो है वो एंट्री होती रही, उसके बाद जो है वो एंट्री बंद कर दी है। अब जो है वो जो भी स्टूडेंट्स हैं वो अंदर जा चुके हैं इम्तिहानी मरकज के लिए, जो है वो अपनी सीट्स जो है वो ले रहे हैं। काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स भी जो है वो इस वक्त गेट पर खड़े हुए हैं, वो एंट्री की जो है वो डिमांड कर रहे हैं। उसी के साथ साथ जो है वो पेरेंट्स भी उनके साथ खड़े हुए हैं। यहाँ तक कि एक स्टूडेंट ऐसी भी हैं जिनका रास्ते में ही यही आते हुए एक्सीडेंट भी हुआ और उनके उन्हें काफ़ी ज़्यादा चोटें भी आई, लेकिन फिर उसके बावजूद जो है वो स्टूडेंट यहाँ आई। उन्होंने वो लेकिन 5 मिनट की देरी की वजह से जो है वो गेट बंद हो चुका है, जिसके बायस वो जारो कतार यहाँ रोने लग गई हैं। दूसरे तलबा और तालिबात हैं वो उनकी जानिब से कहा गया है कि 5 या फिर 2 मिनट की देरी की वजह से जो है वो गेट बंद कर दिया है, जिसकी वजह से उनका नुकसान हो रहा है। पेरेंट्स हैं जो स्टूडेंट्स के साथ आए हैं, उनकी जानिब से ये कहा जा रहा है कि जो एनएडी यूनिवर्सिटी की इंतजामिया है उसकी जो है नाअहली के बायस जो है वो यहाँ इस वक्त उनके बच्चों का करियर रुल रहा है।